वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस जस्ट जिम से आया हूं, तो अभी मैं करने वाला ब्रेकफास्ट। जो जो खाना है वो खा लो। तो भाई ये ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का। गाइस निकल गए माँ बेटे, फिर आज भी काम है तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। पहले कोंडली जाना है, पहले मुझे जाना अपने कुछ काम की वजह से बैंक टाइम कोंडली जाना मुझे। और यहाँ मम्मा देखो कितनी सुंदर लग रही है, एकदम ग्रीन ग्रीन। ये कहाँ से लिया था? कितने रुपये का? 100 रुपये का। गाइस देखो कैसे देख रहे। तो गाइस अभी आप लोगों को नीचे मिलते हैं। सच बता रहा हूँ बैंक में 1 घंटे लग गए, सच बता रहा हूँ। इतना गुस्सा आ रहा है ना, वो तो अच्छा था कि यार मैंने शांत कर लिया, क्योंकि कभी कभी उनसे भी गलती हो जाती है। गाइस मम्मा पहुँच गए अपने आशियाने में और मैं अभी यहाँ पे मम्मा का वेट कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम लग गया यार। आज जिस टाइम पे हम निकले ना घर से, स्कूल की छुट्टियों का टाइम था, तो इसी वजह से नोएडा में आधा घंटा फंस गए। उसके बाद फिर बैंक में टाइम लग गया, फिर उसके बाद इतने फनी फनी सीन हुए। कम से कम नोएडा घूमने में 4-5 किलोमीटर घूम गए नोएडा। तो मम्मा का वेट कर रहा हूँ। कितने रुपये? ले लिया सब सामान? बच्चे को कपड़े लेना था ना। हाँ खोल दो बाबू। खोल उनके बाद से। वो तो कैसे ला देखो सच्ची खोल दो। बस यही तुम्हारा एक नौटंकी कब तक चलेगा? ये वाला, ये जो है ना, देख रहे हो। ओहो गाइस ये लेके आए बच्चे के लिए कपड़ा। क्या लाया दिखा दो। लेने क्या गए थे आप मामा? मैं लेने कुछ और जाती हूँ, तेल चेंज करने गई थी। ये 250 का आता था, 400 का हो गया ये। अच्छा ये पूजा को देख, हमारे कार साफ करते हैं ना, उसको बेटी का बर्थडे बोल रहा था मुझे। तो गाइस ये जो हमारे गाड़ी साफ करते हैं उनकी बेटी का बर्थडे, तो मम्मा उनके लिए लेके आई। ये देख सुंदर है ना? सुंदर है बहुत। मैंने कहा था ना आपको मिल जाके, और कितना सही लग रहा है। शशि तुम्हें भी ऐसी ड्रेस ला दे, तुम क्यों गन गन करते रहते हो? देखो कितना क्यूट है यार सच में। देखो गाइस कितना टाइम हो गया, 3 बज गए। हम कितने बजे गए थे? 1 बजे गए थे। बैंक पे ज़्यादा टाइम लग गया ना। अच्छा लग रहा है, पसंद आएगा मम्मा, बिल्कुल क्यूट ड्रेस लग रहा है। सो गाइस घर आ गए, और घर आते आपको मैंने दिखाई दिया है मम्मा क्या लेके आई है। और उसके बाद मैं भी आधे घंटा रेस्ट करता हूँ, फिर कुछ खा के निकलूंगा काम के लिए। ये देखो काट लेगा अभी वो ना, अभी ऊपर ही का चैप्टर मान से कुछ पता नहीं है वो देखो। अच्छा जी उसको लग रहा है पंख लगे हुए हैं, कबूतर के पंख है नहीं। हाँ मम्मी हटा दो, जंप कर जाएगा वो। ये देखो गले में लटका दिया, उसके लटकाया था। अरे वो चल रहा है। ओए क्या बात है। ये देखो गाइस ऐसे होता है। शशि को इसलिए पसंद नहीं है ना गाइस, ये उसका है कबूतर का ना, कबूतर के पंख का बनता है इसलिए। ले शशि चल। डरपोक बिल्ली तो आज क्या बन रहा। देखो गाइस आज घर में ही बन रहा चिकन पंगड़ी। मम्मा शैसी यहीं घूम रहा था, कभी इधर हाथ वात ना मार दे। और आज मम्मा कुछ इंटरेस्टिंग ही बनाने वाली है, क्योंकि आज रोही आई है गाइस, इसी वजह से सब तैयारी चल रही है। बिरयानी ओए बहुत गर्म है भैया, बहुत गर्म है गाइस। कितना भर के बिरयानी बनाया देखो। अभी बिरयानी कितने दिन चलेगी बताओ सर? 3 दिन रिकॉर्ड बना दिया आज भी मम्मा ने बिरयानी बनाई। हाँ वही तो, मेरा कलर ही नहीं दिख रहा। नहीं अब नहीं डालूंगी, वो कलर नहीं डालूंगा, अच्छा नहीं होता। ये कितना अच्छा नहीं दिख रहा है। खुशबू हैदराबादी बिरयानी लग रहा है। हैदराबादी ऐसी होता है गाइस। ये आज का डिनर और टाइम देखो क्या हो गया भाई, कितना बज रहा मुझे दिख भी नहीं रहा। आज तो 8:30 बजे 8:30 बजे भाई गाइस, बस इसे खाते ही नहीं। बिल्कुल सही टाइम पे खा रहे। भाभी रिव्यू दो कैसा बना रखा है यार? अभी तो बहुत गर्म है। अच्छा गर्म है, अभी नहीं जा रहा, अभी अभी बना है जस्ट। बहुत गर्म है ना, खा ले दे।
रोशन फिर बाहर है। हाँ, रोशन आज फिर बाहर है। आओ मामा आप भी आ जाओ। अरे चलो गाइस इसे खाते हैं, फिर आप लोगों को मिलेंगे। देख रहे हो गाइस रोही भी आ गई है। कैसा रहा तेरा गोवा ट्रिप? मस्त गाइस। देखो ये इसलिए बनाया कि रोही आने की खुशी में ना मम्मा ने बिल्कुल। कितने दिन का ट्रिप था? मैं गई थी फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब ट्यूसडे 5 दिन। गाइस इतनी खतरनाक इतनी चालाक लड़की है ना मुझसे। दिखा दिखा फेस। और मुझे इतना बोल के गई, ज्यादा नहीं 3 दिन के ले जा रहा हूँ। तू कितने दिन? 5 दिन तो रुक के आई है तू। एक दिन मैंने एक्सटेंड कर लिया था। टैनिंग हो गई क्या मेरे को? नहीं, तू तो और गोरी लग रही है मुझे गोवा जाके। देखियो रियल में देखो गाइस, मैं तेरे फेस में बिल्कुल स्ट्रेस कम लग रहा है, बिल्कुल नहीं होता, मजा आ गया ना। चलो गुड नाइट खाओ। तो गाइस डिनर डन हो चुका है और भाई जान लोगों सच बता रहा हूँ, आई एम रियली रियली सॉरी, आप लोगों के लिए नया कॉन्टेंट नहीं लेके आ पा रहा हूँ। बिकॉज अभी घर में बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी नई चीजें लेके आनी है, दैट्स वाई कुछ चीजों में बिजी, दैट्स वाई इतना लंबा व्लॉग्स भी नहीं हो पा रहा और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी नहीं बना पा रहा यार। आप लोगों को स्ट्रेस देख के पता नहीं चल रहा, बिकॉज सब अपने अपने काम में बिजी है, सबके अंदर कुछ ना कुछ एक लोड बना हुआ है, इसी वजह से थोड़ा सा ना ये सीन हो रहा है। बट डेफिनेटली गाइस देखो डेली व्लॉग कर रहा तो ऑब्वियसली मैं नहीं चाहता कि अपना कंसिस्टेंसी छोड़ू, इसी वजह से आप लोगों के साथ अपना रोज जो डेली रूटीन है वो जरूर शेयर कर देता हूँ। और कल का व्लॉग भी बहुत छोटा होने वाला है, तो गाइस अभी से सॉरी। और ये गाइस अब गुड नाइट, कल मिलते हैं। कल थोड़ा बहुत सुबह उठ के शूट करूंगा, फिर छोटा ही व्लॉग एडिट करके डालूंगा। ऐसे सपोर्ट और प्यार करते रहो, एंड लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को कल मॉर्निंग में मिलते हैं मम्मा के साथ। गाइस अब निकल रहे हैं वॉक करने के लिए, और वॉक करके फिर देखते हैं आके दोनों माँ बेटे चाय पियेंगे, उसके फिर वीडियो एडिट करने के लिए बैठता हूँ मैं। और अब धीरे धीरे बाल भी सही लगने लगे, धीरे धीरे ना सेट हो जाएंगे तो बढ़िया सा लगेगा। और उसके अलावा गाइस आप लोग काफ़ी कमेंट करके बोल रहे हो कि कुछ चैलेंज वीडियो लेके आओ, कुछ और वीडियोज लेके आओ। गाइस सारे स्क्रिप्टेड सारे चीज़ें मैंने लिख रखे, सोच रखे, बट मैंने जैसे बताया ना अभी घर में सब अपने अपने काम में बिजी है, और रोशन भैया भी अपने ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है, भाभी को जाना होता है यहाँ से दिल्ली, और इसी वजह से मैं बना नहीं पा रहा। बट डेफिनेटली बनाएंगे और आप लोगों को भी थोड़ा सा नया कंटेंट जरूर देंगे। और आई होप सो आप लोगों का भी लाइफ अच्छा चल रहा होगा, बट मेरी लाइफ थोड़ी सी अप एंड डाउन चल रही है, इसी वजह से थोड़ा सा मैं भी अभी परेशान हूँ अदरवाइज लगता है। तो अभी करेंगे, मेहनत करेंगे उस चीज़ को भी। थोड़ा हर इंसान की लाइफ में बुरा फेस आता है, तो डेफिनेटली एक अच्छा फेस भी आएगा। और मैं अपने एक स्टोरी भी स्टोरी टेलिंग एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ। तो गाइज़ अब मम्मा और मैं निकल रहे वॉक के लिए। तो गाइज़ वॉक करने आ गए मम्मा और मैं, और पीछे ना मम्मा से भी ज़्यादा एज की लेडी है, और क्या रनिंग करती है आंटी जी, बहुत तगड़ा। मैं मम्मा को बोल रहा हूँ मम्मा आप भी ऐसी वॉक वॉक करा करो, रनिंग वनिंग करा करो। ये देखो कितना सही लग रहा है, ये देखो यहीं बैठे हुए हमारा वेट कर रहे हैं न। आगे हमारे दो कालू, ये देखो देख रहे हो। मैं गाइस जैसे बोलता हूँ क्या बोलना चाहोगे, बूढ़े हो कि नहीं? बस बूढ़े हो। गाइस मम्मा से ज़्यादा एज की, और देखो कितना किलोमीटर रनिंग करती है। रोडी सलूट आंटी को। क्या कह रहे हो, इतना कैसे चल रहे हो? जितना चलोगे ना उतना बढ़िया है मम्मा, आपकी एज के लिए उतना अच्छा। गाइस इनको इतना ज़बरदस्ती उठा के ले गया आज, इनका मन ही करके आ गए हैं। और मैं थोड़ा व्लॉग को भी एंड यहीं करते हैं, और पक्का जो आप लोग कह रहे हो ना, जो आप लोगों की डिमांड है उसको भी पूरा करना है, मेरा फर्ज है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा एंटरटेनिंग वाली वीडियो चाहिए। यहाँ देखो मम्मा, मम्मा को तो सच बता रहा हूँ गाइस ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है, मम्मा को ज़्यादा ही पसंद है। ऐसे घर के रूम पूरे अंदर लगाने वाले हैं मम्मा, इन्हीं चीज़ों में मम्मा की लाइफ बसती है। और मैं सोचा व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप मेरे चैनल पर नए गए जाके जरूर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू एंड बाय बाय।